नमस्कार भाई और बहनों को, ज्ञान संस्कार में आप लोग को स्वागत है। आइए आप लोग को थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं। जानते हैं जो करुणा के विषय में सभी जाने हैं। करुणा शब्द जो हुआ, जो मीट मछली वगैरह जो खाते हैं, जो कीट पदार्थ खाते हैं, उससे ही जो है करुणा का विस्तार पूर्वक हुआ है। और छुआछूत ये छुआचा रोग है, इससे अब फिर आने वाला है। आप लोग तो एक देख लिए महामारी, लेकिन फिर आने वाला है। लेकिन इसलिए हम बोलते हैं, सबको पहले से अलर्ट, भाई और बहनों को अलर्ट करना चाहते हैं। जब आप लोग कच्चा हल्दी, गिलोई, गोलमरीच और चाय पत्ती के साथ चाय बना करके पीजिए, बॉडी का जो पावर है वो रहेगा, तो वो ये नहीं कर ये होगा। और एक बात है, मास्क लगा करके चलिए, मास्क हमेशा लगा करके चलिए, क्योंकि इससे ना और भी आप फायदा है आप लोग का। क्यों मास्क लगा करके चलने से क्या होगा, जे ये दोनों छिद्र से जो है वो धूला उड़ता है तो नाक में जाता है, यहाँ अटक करता है, वो नवा अटक करता है। तो इसलिए आप लोग को बारंबार हम बोलते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ, एक बात है, जो भगवान का स्मरण में जाइए, भगवान के स्मरण में जाइए, भगवान के स्मरण में जाने से ही सर्व काम हो जाएगा, पूर्ण होगा। कोई करुणा भगवान के स्मरण में जो गए हैं, बड़ा बड़ा काम जो है, बड़ा बड़ा काम को उद्धार कर दिए हैं। तो करुणा जो दो नंबरी करते हैं उनको तो विशेष करके करुणा सताएगा। और जो दो नंबरी का पैसा लेकर के इधर उधर हेरा फेरी करता हूँ तो सदैव करेगा, वो जाएगा ही। लेकिन बात ऐसा भी बात है, सुनिए, सच्चाई पर आप लोग अभी भी चलिए। क्यों नहीं, तो आप ही लोग रास्ता खराब कर रहे हैं, आप ही लोग को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए सबको जा करके चरणा अमृत लेना चाहिए, भगवान का, नारायण का मंत्र बोल देते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादकं पीत्वा सर्व पुनर्जनो विद्यते।